यूपी के अमरोहा में योगी की पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है और आरटीओ दफ्तर से फर्जी कागजातों के सहारे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कई स्कूलों के प्रिंसिपल की मोहरें बरामद हुई हैं और आरटीओ दफ्तर से जारी किए गए सीक्रेट जांच कराने को जारी किए गए दर्जन भर लिफाफे बरामद हुए हैं। पुलिस गिरोह में शामिल बाकी लोगों की तलाश में जुटी है, अब कानूनी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये आरोपी फर्जी कागजातों के सहारे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम करते हैं और पुलिस के अफसरों के पास काफी दिनों से ऐसी शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते एसपी अमरोहा ने खुफिया तरीके से बिना वर्दी के पुलिस जवानों से तहकीकात कराई और आरटीओ दफ्तर के बाहर ऐसे कई लोगों को थाना पुलिस की मदद से मौके से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से सरकारी दस्तावेज और कई स्कूलों के प्रिंसिपल की फर्जी मोहरे और स्कूलों के टीसी फॉर्म भरे हुए और बिना भरे हुए बरामद हुए हैं, जिनके आधार पर पुलिस कार्यवाही में जुटी है और इस धंधे में लगे बाकी लोगों की तलाश कर रही है। जी ट्रैफिक सप्ताह के चलते पुलिस की लगातार चेकिंग चल रही थी, जिसमें कि पुलिस को सूचना प्राप्त हो रही थी कि फर्जी लाइसेंस बनाए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा आरटीओ कार्यालय में। इस पर पुलिस ने अपनी गोपनीय टीम लगाई और सूचना संकलन की गई, जिसमें कि कल पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उन अभियुक्तों के कब्जे से हमको फर्जी टीसी मिली है, खाली टीसी के परफॉर्मे मिले हैं, कई स्कूलों की और कॉलेजेस की मोहरें मिली हैं, 85,000 रुपये भी बरामद हुए हैं और इसमें कई फॉर्म जो थे लाइसेंस के वो भी बरामद हुए हैं। जो पूछताछ में पुलिस के सामने आया है उसमें यह पाया गया है कि इनके द्वारा फर्जी रूप से स्कूल की या कॉलेज की टीसी बनवाई जाती थी और उस टीसी के आधार पर ये अनपढ़ युवकों को भी पढ़ा लिखा बताकर उनकी एज वेरीफाई करके और वहीं आरटीओ कार्यालय में इनको लाइसेंस इश्यू कर दिया करते थे, जो कि पूर्णतः एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसी में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इन सभी को अभी पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। क्या सर इसमें कोई आरटीओ ऑफिस का बाबू सम्मिलित था? देश में आगे पुलिस की विवेचना अभी प्रचलित है और इनके जो बयान है उनके आधार पर पुलिस जांच करेगी और विभागीय अधिकारियों से भी हम मदद लेंगे और इसमें जो भी संलिप्त पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।